हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्वाद। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फेमस डिश, यानी कि आप देख सकते हो सरसों का साग। तो इससे पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ सरसों का और पालक का दो तरीके का साग ले लिया है, देख सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, साग की अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लेनी है और इसको कुकर में डालना है। साथ में ही हम डालेंगे ढेर सारा अदरक लहसुन और एक चम्मच नमक और उसे दो सीटी आने तक पका लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो दो सीटी यहाँ पे आ गई है। तो मैंने इसमें जो प्रेशर होता है ना, ये खुद ही निकलने दिया है। तो आप देख सकते हो ये साग बिल्कुल अच्छे से पक गया है यहाँ पे। साथ में ही मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाली थी ना, वो भी अच्छे से पक गया है यहाँ पे। तो अब हमें इसका क्या करना है ना, ग्राइंड करना है, इसको पेस्ट बना लेना है यानी कि। तो चलिए, जब तक साग ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 4 से 5 चम्मच, उसके बाद डाला है जीरा, साथ में ही डालेंगे कटी हुई प्याज और बारीक कटे हुए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अब इन सब को गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो प्याज हमारे यहाँ सॉटे हो गया है। उसके बाद हमें ऐड करना है टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐसे बारीक काट लिया है और अब डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। साथ में ही इन सबको हमें फ्राई करना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मसाला हमारा फ्राई हो गया है और टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा पक गए हैं, देख रहे हो आप लोग। तो अब मैंने क्या किया ना, साग को ऐसे बताया था ना कि हमें ग्राइंड कर लेना है, तो इस तरीके से पेस्ट बनाना है। लेकिन ध्यान रखें कि हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा आप बारीक ना करें इसे। तो हमें कुछ सेकेंड्स के लिए बस इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे इसे। तो मैंने सारा साग इसमें अच्छे से डाल दिया है और अब इसे हमें पकाना है। तो साथ में ही अब हमें डालना है इसमें हल्का सा नमक। ध्यान दें कि नमक हमने पकाने वक्त भी डाला था कुकर में, तो नमक का यूज़ आप यहाँ पे कम ही करें। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो अब हमें क्या करना है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में इसे कलछी चलाते हुए पका लेना है। तो हमें इसे करीब 10 से 12 मिनट तक यूँ ही पकाना है अच्छे से बिल्कुल। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन। वैसे तो इसमें कॉर्नफ्लोर पड़ता है, जैसे कि जो मक्की का आटा होता है ना, वो हमें इसमें डालना होता है, लेकिन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने बेसन का यूज़ किया है यहाँ पे। बेसन या फिर जो कॉर्नफ्लोर होता है ना, उसका यूज़ करने का एक ही मोटिव है कि ये जो साग में है उसमें थिकनेस आ जानी चाहिए, बिल्कुल बांध के रखता है ये साग को। तो आप लोग देख सकते हो बेसन डालने के बाद मैंने 1 चम्मच घी डाला है और सारा बेसन गायब हो गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। जो साग है हमारा वो थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अगर आप लोग के पास मक्के का आटा है तो आप लोग वही यूज़ करें, वो बेस्ट है। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट अभी और पकाना है साग को और हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पे। ये सरसों का जो साग है ना, वो ठंड में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और सबके घर में बनता है, तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें। तो हमारा साग यहाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ऊपर से मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यूज़ किया था 1 चम्मच घी, उसमें डाला था थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, साथ में ही हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल के मैंने इसका तड़का लगाया है। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा कलर आया है इसका, और सरसों के साग का जो टेस्ट होता है उसकी तो बात ही अलग है। तो इस तरीके से ज़रूर आप लोग बनाएँ और खाएँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।